हेलो फ्रेंड्स, एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए एक छोटा सा सेगमेंट जो कि है रिलेटेड साइंस से। साइंस में हमने सबसे पहले उठाया है बायो, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डेली आपके लिए एक लेक्चर होगा जिसको मैं आपको पूरा समझाऊंगा, जो आपकी अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो पीईबी से या व्यापम से रिलेटेड हो या एमपीपीएससी रिलेटेड हो, आपके उन छोटे छोटे एमसीक्यूज जो आपको तकलीफ देते हैं, एक एक दो दो मार्क्स से रोकते हैं अपने एग्जाम्स में, तो उनके प्रिपरेशन करेंगे हम लोग यहां पे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेगमेंट। कभी दोस्तों अभी तक आपने परीक्षा ऐप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करें और इस ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा यहां पे आप चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाले सारे के सारे अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाएं, ताकि इसके बाद भी लगातार जो हमारे साइंस रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जीव विज्ञान। दोस्तों, जीव विज्ञान होता क्या है? अब नाम से ही हमें क्लियर है कि जीव विज्ञान मतलब किसी जीव से रिलेटेड विज्ञान के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये हमें पता है। पर आवश्यकता क्या पड़ी कि हमें जीवों के बारे में अध्ययन करना है, मनुष्य के बारे में भी अध्ययन करना है, और जितने भी हमारे आसपास में सराउंडिंग जितने भी एटमॉस्फेयर के जो जो तत्व हैं, ठीक है, जो कि जीवित हैं, सजीव हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी? क्योंकि इन्हीं से हमारा आगे का भविष्य निर्धारित होता है कि किस तरीके से परिवर्तन होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें किस पर निर्भर करती है? परिवर्तन पर निर्भर करती है, ठीक है। मनुष्य सीधे ही मनुष्य नहीं बना, ठीक है, या सीधे ही शेर शेर नहीं बना या गाय गाय नहीं बनी, ठीक है। इन सब का विकास जो है एक सूक्ष्म प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, और ये सूक्ष्म प्रक्रिया जो है यही जीव विज्ञान के प्रोसेस को बताती है, जीव विज्ञान के अंदर हो रहे बदलाव को बताती है। और इस बदलाव को जानने के लिए, इस चीजों को समझने के लिए कि दूसरे जीवों के साथ में आपकी क्या भिन्नता है, आपके शरीर में दूसरे की तुलना में क्या ग्रंथि है और क्या नहीं है, तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं साइंस में, स्पेशली बायो में अध्ययन करते हैं, किसका? पादपों का, और साथ ही साथ में जीव जंतुओं का और मनुष्य का भी, ठीक है। ये तीन चीजें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बायो में, ठीक है। तो बायो में सीधे से बात करते हैं कि बायोलॉजी शब्द की बारे में सबसे बात आती है तो पहले आता है आपका बायोस, ठीक है, यहां मैं एस लगा दूं तो बायोस। तो बायोस मतलब क्या होता है? जीवन होता है, और जीवन इजिकल टू इंग्लिश में बात करें क्योंकि इंग्लिश का शब्द है जिसको हमने जीव विज्ञान कहा है, ठीक है। तो जीवन, जीवन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। लॉजी, तो लॉजी शब्द कहां से आया दोस्तों? तो लॉजी शब्द कहां से आया? लॉजस से आया है। लॉजस का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है, अध्ययन मतलब स्टडी, ठीक है। आप किसका कर रहे हैं? जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, आपको जीवन का अध्ययन करना है। किसके जीवन का? चाहे आपके सामने चींटी क्यों ना गुजर रही हो, ठीक है, आपके सामने से कोई सांप क्यों ना गुजर रहा हो, आपके सामने कोई वृक्ष है जो छोटा सा होके बड़ा हुआ है, ठीक है, वो उसकी जो प्रोसेस है उस चीज का कभी आप अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सारा, उसमें भी जीवन है, तो ये सारा क्या कहलाया? जीवन का अध्ययन कहलाया दोस्तों। बस छोटी सी बात है, इसको दिमाग में बिठा लेना। अब जीव विज्ञान जो है शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और टेविरेंस ने किया था। टेविरेंस ने किया था। लेमार्क जो है वो फ्रांस के हैं, बहुत फेमस है दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि लेमार्क कहां से है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहां से? फ्रांस है, ठीक है। लेमार्क और टेविरेंस ने, ओके, टेविरेंस जो है जर्मन वैज्ञानिक है, ठीक है, दोनों ने मिलके जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में आ गया था। आप एमसी एक छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं नीचे ही लिखते हुए, ठीक है, तो ये चीज आप करते चलें। आगे बढ़ते हैं, जो आपके
जीव विज्ञान है उसके जनक, उसके पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है दोस्तों? अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। बहुत प्राचीनतम बात करें तो सिकंदर के समय के थे अरस्तु, उसके गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई थी कि इस तरफ मत जाना, आप कभी पूर्व में जाओगे तो आप वापस नहीं आओगे। बहुत सारी घोषणाएं इन्होंने अरस्तु ने की थी। और अरस्तु मतलब इतने फेमस दार्शनिक है कि आपको उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपको बहुत सारी जगह पर उनका नाम भी सुनने को मिलेगा। तो अरस्तु को क्यों बोल देते हैं? तो अरस्तु ने क्या कहा, सबसे पहली बार दो जगत बताए। कौन से देखिए, उन्होंने दो समूह बताए, जंतु समूह और पादप समूह। मतलब जंतुओं का एक झुंड, मतलब समूह, हम लोग सब जंतुओं में, और पादप पेड़ पौधे वनस्पतियों का एक समूह। अब अरस्तु को बायोलॉजी और जूलॉजी, ठीक है, का पिता कहा जाता है। अब जूलॉजी किससे संबंधित है? ये जंतु विज्ञान से, ठीक है। बायोलॉजी होल सबकी बात हो रही, इसमें पादप भी आ गए और जंतु भी आ गए, तो इस चीज के बीच में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जब जूलॉजी की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी दोस्तों? जंतुओं की बात होगी, ठीक है। पर जब बायोलॉजी की बात होगी तो क्या होगा दोस्तों? सारी चीजों की बात होगी, जितने भी सेगमेंट्स होंगे, सारे जितने भी सेक्टर्स हो सकते हैं, स्पेशली जूलॉजी और बॉटनी, ये तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो भी छोटी छोटी चीजें होती है, चाहे मनुष्य किससे रिलेटेड बातें हो या किसी भी जीव से रिलेटेड बातें हो, तो वो किसमें चली जाएगी? बायोलॉजी में चली जाएगी। तो क्या कहा भैया अरस्तु ने? पहले बताया कि दो समूह होते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो भैया अरस्तु को ये चीज आप नोट कर लीजिए, इसको छोड़ना नहीं है कि भैया अरस्तु जो है ये फादर है किसके? बायोलॉजी के, ठीक है, और जूलॉजी के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कुछ समय और बातें भी थी, ठीक है। उसके बाद में एक व्यक्ति आए, लीनियस, कैरोलियस लीनियस, ठीक है। कैरोलियस लीनियस ने एक अपनी किताब प्रतिपादित करी, इसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। अब सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी में बताया कि भैया जो वर्गीकरण है वो हम किंगडम्स में करेंगे, जगत, जाति, ठीक है ना, जगत में करेंगे, है ना, तो किंगडम्स में करेंगे। तो अब किंगडम्स क्या है? किंगडम्स इन्होंने दो प्रकार के बताए, कौन कौन से? एक जो है एनिमल किंगडम और सेकेंड है आपका प्लांट्स किंगडम, ठीक है, पादप किंगडम, ठीक है, या पादप जगत। तो ये दो किंगडम किसने बताए थे? कैरोलियस लीनियस ने बताया, किसमें? अपने सिस्टेमा नेचुरी में, ठीक है, किंगडम वर्ड आया। या वर्गीकरण की बात इन्होंने कहां करी? अपनी इस किताब में करी। वर्गीकरण के कारण ही इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इन्हें? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है? कैरोलियस लीनियस। यहां लिख देता हूं मैं, आधुनिक वर्गीकरण का जनक, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि विज्ञान में बहुत सारी चीजें नई खोज होती जा रही हैं, आप भी देख रहे हैं, तो ये नए शब्दावलियों की भी आवश्यकता है। देखिए, अब कैसे बात कर सकते हैं? हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि हमें ऐसा तो है नहीं कि पहले हम एक ही डॉक्टर के पास जाते थे, वो पूरी सारे बॉडी के हर पार्ट को देख लेता था। आँख के लिए अलग डॉक्टर होता है, कान के लिए अलग डॉक्टर होता है, नाक के लिए अलग डॉक्टर होता है, मुंह के लिए अलग डॉक्टर होता है, सर दुखे तो सर के लिए एक अलग डॉक्टर होता है, ठीक है, हड्डियों में कोई इश्यू तो हड्डियों के लिए अलग डॉक्टर होता है, ठीक है, फिर हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, एक्स वाई जेड स्पेशलिस्ट, आपकी बॉडी में हर प्रकार के स्पेशलिस्ट भरे हुए हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में तो पार्ट हैं और उनका उपचार करने के लिए कई सारे डॉक्टर्स के अलग अलग जो भाग बने हुए हैं, मतलब कई प्रकार के वर्गीकृत किए गए हैं, क्या? डॉक्टर्स की टीम। तो वैसे ही बहुत सारे टाइप से बायो को भी वर्गीकृत किया गया, ठीक है ना, जीव विज्ञान को भी बहुत सारे भागों में बांटा है। किसने बांटा है? आधुनिक तरीके से कैरोलियस लीनियस ने बांटा है। इसीलिए क्या कहा गया इन्हें?
इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा गया है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पहले हम बायोलॉजी में सभी पढ़ लेते थे, नहीं पर हम उसको वर्गीकृत करके, नहीं ये सेगमेंट अलग है ये सेगमेंट अलग है करके पढ़ते हैं, उसी को वर्गीकरण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा जीवधारियों का पांच जगत वर्गीकरण या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों क्या हुआ कि जब कैरोलियस लीनियस ने दो जगत बता दिया तो उसके बाद में और वर्गीकरण की जो है वो रिसर्च जो है चालू हो चुकी, किनके द्वारा, हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा। फिर उसमें नाम आता है आरएच विटकर। ठीक है, आरएच विटकर द्वारा प्रस्तावित पांच जगतीय प्रणाली ने क्या करा, दो जगतीय प्रणाली का स्थान ले लिया। ठीक है, और फिर हम उसके बाद में पढ़ने लगे क्या, पांच जगतीय प्रणाली। अब पांच जगत कौन कौन से हुए, अब इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों मोनेरा। ठीक है, अब मोनेरा मतलब प्रोकैरियोटिक जीव, जिनमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आकी बैक्टीरिया और तंतुमय जीवाणु सभी के सभी आते हैं। ठीक है, कौन कौन है, सबसे पहला कौन है इसमें, मोनेरा है। और मोनेरा में कौन कौन आता है, तंतुमय जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आकी बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक जीव आते हैं। अब प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं, क्या है आपके यूकैरियोटिक क्या है, ये हम कोशिका या सेल में जब पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे। अभी इतना, इसको पहले मैंने शॉर्ट में कर दिया, इतना ही आप याद रखें पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशीय जीव आते हैं। ठीक है, एक कोशीय मतलब जलीय यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक पादप और जंतुओं के बीच स्थित यगलीना या युगलीना, कहीं कहीं पे युगलीना भी लिखा मिलेगा, यगलीना या युगलीना भी क्या है, प्रोटिस्टा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे पादप की। तो पादप क्या होते हैं, सभी रंगीन, ठीक है, जैसे सभी रंगीन पत्तियों वाले या रंगीन प्रकार के आपके पौधे जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं आपके पादप। अब इसमें कौन कौन आएंगे, शैवाल आएगी, जो पानी के अंदर आप शैवाल देखते हैं वो शैवाल आएगी। फिर मॉस, मॉस घास होती है, ठीक है, वो घास आएगी। उसके अलावा पौधे आएंगे, पेड़ आएंगे और जितनी भी वनस्पतियां हो सकती हैं छोटी से छोटी, वो सभी की सभी किसमें चली जाएगी, पादप में चली जाएगी। ठीक है, पादप में चली जाएगी, ये पादप आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है कवक। अब कवक में क्या है, यूकैरियोटिक व परपोषी, क्या होते हैं ये, यूकैरियोटिक व परपोषी। ठीक है, अवशोषण द्वारा पोषण, मतलब भैया ये किसी के ऊपर चले जाते हैं और उसके अवशोषण से अपना पोषण करते हैं। ये परजीवी या मृतोपजीवी भी होते हैं। ठीक है, ये परजीवी या मृतोपजीवी, मतलब भैया इनको जरूरी नहीं कि ये खुद ही अपना भोजन, ये कभी किसी चीज के ऊपर फंगस लग जाए, ऐसे आपने रोटियों में देखा होगा, आपने खाना पड़ा हुआ देखा होगा उसमें लग जाता है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, फंगस जो है आपकी तैयार, कवक जो है वो तैयार होने लग जाते हैं। तो ये मृत या कोई शरीर भी खराब हो रहा, उसको फफूंद लग रही, तो वो फफूंद जो है आपकी मृतोपजीवी भी होती है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया, काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। तो भैया कवक की, कवक जो है वो कैसे होते हैं, तो एक कोशी, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती, शर्करा ग्लूकोज, ठीक है, से बनी होती है। लास्ट है इसमें हमारा जंतु, तो चलिए देखते हैं जंतु। तो फ्रेंड्स बात करते हैं जंतुओं के बारे में, तो जंतु क्या होता है, ये बहुकोशिकीय जंतु संभोजी होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक
उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं, किसमें? जंतु वर्ग में। अभी हमारा पांचवा टाइप है, ठीक है, इसमें बचे कुचे सारे जीव जंतु आ जाएंगे, जो आप अपनी आंखों से घूमते फिरते जो सबसे बड़ी प्रजाति जो आपको दिखाई दे रही है जीव जंतु की, वो सभी की सभी इसमें आ जाएगी, ठीक है। इसे एक और नाम है इसका मेटाजोआ। मेटाजोआ के नाम से भी किसे जाना जाता है भैया? जंतु जगत के जीवों को जाना जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको स्टार बना लीजिए। इसके अलावा इसमें कौन कौन आता है? जेलीफिश, क्रीमी सितारा मछली, स्टार फिश, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, सभी। तो सभी प्रकार के पक्षी हो गए, सभी स्तनधारी हो गए, और सभी प्रकार की मछलियां और छोटे छोटे जो आपके जीव होते हैं, ठीक है, जो आपको अपनी आंखों खुली आंखों से अच्छे से दिखाई देते हैं, घोंगा वगैरह, ये सब हो गए। तो ये सब किस में चले जाएंगे? जंतु वर्ग में चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये है आज का पूरा हमारा लेक्चर। कैसा लगा है? पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है, कैसा लगा है जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप किन किन टॉपिक से हमसे और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि सर ये टॉपिक जो है हमें अपने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत लग रहा है कि नहीं सर ये होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक, मतलब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ऐसे और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।